नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने से पहले मैं आपको जन संदेश देना चाहता हूं। दोस्तों, घर से जब भी निकलें दो पहिया वाहन लेकर, तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके बूढ़े माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। घर पर सुरक्षित पहुँचें, बिल्कुल सुरक्षित, क्योंकि कोई भी घटना हो सकती है और हेलमेट से बहुत सारी घटनाओं को टाला जा सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बता रहे थे आपको सांप के जहर के थर्मामीटर, यानी कि अगर इंसान के शरीर में सांप का जहर है तो उसकी पहचान कैसे की जानी चाहिए। दोस्तों, उसकी पहचान आपको करने के लिए साधारण से कई एक मैं तरीके आपको बता रहा हूं, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए और उसकी पहचान कीजिए कि आखिर वो तरीके क्या हैं जो इंसान को पता चले। ये जानकारी देते हैं कि सांप ने अगर काट लिया है तो आखिर उसके शरीर में जहर कितना है, ये कैसे जानकारी हो। दोस्तों, ये हैं हमारे हकीम जी के नवासे, बैठ जाइए थोड़ा सा। ये जो बाबा लतीफ जी हैं, ये उनके पोते नाती जिनको कहते हैं, उनके लड़के के लड़के हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील नाम है इनका। इन्हीं के दादा ने हमको सिखाया कि इंसानों की जान बचाना कैसे चाहिए और सांप का इलाज कैसे करना चाहिए। मैंने कई वीडियो में इनके दादा जनाब मरहूम लतीफ़ कुरैशी जी का नाम लिया है। दोस्तों, तो दोस्तों सांप के जहर के थर्मामीटर के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर किसी बंदे को सांप ने काट लिया और ये पता नहीं चल रहा है कि उसके शरीर में जहर है या नहीं है, तो नंबर एक नोट कीजिए, सबसे पहले उसको आप नीम की पत्ती खिलाएंगे। अगर उस बंदे को नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती है तो ये मान लीजिए पक्का उसके शरीर में सांप के काटे हुए का जहर है। और नंबर दो, अगर नीम की पत्ती उसको न कड़वी लगती है और न मीठी लगती है, तब भी उसके जहर सांप के काटे का उसके शरीर पर मौजूद है। दोस्तों, नंबर तीन ये होता है कि नंबर तीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इंसान के शरीर में जहर है तो हम काली मिर्च उसको खाने को देते हैं, और काली मिर्च जिसको फिलफिल स्याह भी कहते हैं, अगर से ये उस व्यक्ति को कड़वी तेज़ नहीं लगती है तो भी सांप का जहर है उसके शरीर में। चौथी बात यह है कि जब तक सांप का जहर शरीर में रहेगा तो वह व्यक्ति को पेशाब नहीं उतरेगी, लेटरिंग नहीं होगी। जब आप पूरी तरीके से मरीज को सही कर लें और ये जाने कि इसके शरीर में सांप का जहर है कि नहीं, और उसके बारे में मैं टेस्ट कुछ बता रहा हूँ, ये सारे टेस्ट ही हैं। आपको अगर यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर आप प्याज को काट कर अगर लगाते हैं तो वो प्याज आपको ठंडी नहीं लगेगी, ये भी एक सनद है। दोस्तों, सांप के काटे के जहाँ तक जहर होता है वहाँ तक देखा गया कि वहाँ तक इंसान के रुएं खड़े रहते हैं। और अगली बात यह है कि उस व्यक्ति को अगर सांप का जहर है तो पेशाब नहीं उतरेगा, और आखिरी और मतलब कई बातें मैं आपको जो मुझे याद आती है मैं बताते जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्रोग्राम लिख कर नहीं बनाता। और अगर उस व्यक्ति को अगले दांतों से जवां चबाएंगे, दोस्तों जौ बेझरे में मिले हुए होते हैं, कई चीज़ों को मिलाकर जवा कहते हैं उसको, उसका आप आगे वाले दांतों से तोड़ने के लिए कहेंगे, अगर उस व्यक्ति के शरीर के अंदर जहर है तो किसी भी कीमत पर वो व्यक्ति उस जवे को नहीं तोड़ सकता है। दोस्तों, ये पहचाने बहुत ही बेहतर पहचाने हैं, कभी भी इस तरीके की कोई वारदात आपके सामने आ जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। और दोस्तों याद रखिए, हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ कि इंसानियत और इंसान की मदद करो, कोई भी व्यक्ति से पैसा नहीं लो, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम नहीं चलता। मेरे भाइयों, मैं बहुत ही जल्दी एक बेहतरीन अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।